नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से पूरा देश लॉकडाउन मोड में है। इस लॉकडाउन को इसलिए किया गया है, केंद्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि इसके खतरे को बढ़ने से रोका जाए, कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन लॉकडाउन में कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और उन तक लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले कई लोग, कई बिहारी हैं जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं और उनकी मदद, उन तक सरकार मदद पहुंचा रही है, बिहार सरकार मदद पहुंचा रही है। विपक्षी जो नेता हैं वो मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर तमाम दूसरे नेता हों। लेकिन कई लोगों की गलतियों की वजह से जिन्हें असली मदद की दरकार है उन तक मदद पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग हैं जिनको मदद की जरूरत नहीं है फिर भी वे मदद मांग रहे हैं और ऐसी एक बड़ी घटना सामने आई है, बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी में फंसे कुछ बिहारियों ने मदद मांगी पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। फंसे नहीं कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक वो बिहारी जरूर हैं, बिहार से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर थी, फिर भी उन्होंने मदद मांगी। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब इसकी सूचना बिहार सरकार को दी तो उन तक राशन पहुंचाने की कोशिश हुई राजस्थान में, और उसके बाद उन युवकों की पोल खुल गई है। युवक बियर पी रहे थे, शराब पी रहे थे, जो जानकारी सामने आई है। इस मामले में आपको बता दें कि राजस्थान के भिवाड़ी का ये मामला है और शराब पीकर इन्होंने फोन किया और राशन की मांग की और ये कहा कि हम फंसे हुए हैं। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने फोन किया था और उसके बाद मैसेज भी किया था, खाने पीने के लिए नहीं, ऐसी बात उन्होंने कही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार तक ये सूचना भिजवाई और बाद में जब इन युवकों तक स्थानीय प्रशासन पहुंचा तो ये पता चला कि युवक बैठकर बियर पी रहे हैं, इनको मदद की कोई दरकार नहीं थी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस खबर को ट्वीट किया है और एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है, लिखा है कि विनम्र आग्रह है, कोरोना वायरस संकट की घड़ी में बिहार और अन्य राज्यों में फंसे लोगों से निवेदन है कि विकट परिस्थितियों में ही मदद की अपील करें। आपकी भूल के कारण अन्य लोगों तक सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है, एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो ये गलती है उन दो युवकों ने की है, अपराध किया है। ऐसी गलतियों की वजह से, ऐसे अपराध की वजह से उन तक मदद पहुंचने में दिक्कत होती है जिन्हें सही में मदद की दरकार होती है। तो ये गलती ना करें, इस वक्त उन लोगों तक मदद पहुंचनी बहुत ज़रूरी है जिनको मदद की दरकार है, जो बहुत मुसीबत में हैं, जिनकी संकट बढ़ी हुई है, जिनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं इस लॉकडाउन की वजह से। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।